तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने गुरुग्राम में प्रेस वार्ता की, जहां तंवर ने बीजेपी पर जम के निशाना साधा। तंवर ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें मुगल बादशाह की संज्ञा दे देनी चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री रावनर बीर की फर्जी डिग्री को लेकर भी कटाक्ष किया। तंवर ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को गुरुग्राम के सेक्टर 12 से 3.5 एकड़ जमीन में हुए करोड़ों के घोटाले की विजिलेंस की रिपोर्ट को दबाकर बिल्डर को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और गुरुग्राम में हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें नए साल की शुरुआत धमाकों के साथ करनी पड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से काले कारनामे लगातार जनता के सामने आने शुरू हो गए, तो ये हमारा राजनीतिक भी और नैतिक भी धर्म बनता है कि उन मुद्दों को और मुखर होकर के जनता के बीच में रखे। आप सब जानते भी हैं, हमने पिछले दिनों ये बात रखी भी थी।